मानसून की एक बारिश ने ही शहर की तमाम सड़कों के हालात खराब कर दिए हैं। सड़कें इतनी खराब मटेरियल से बनाई गई हैं कि एक बारिश ने ही सड़कों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। कहीं सड़कों पर जलभराव के कारण बड़े बड़े गड्ढे हो गए तो कहीं सड़कों की ऊपरी परत अपने आप ही उखड़ने लगी। सड़कों की हुई इस दुर्दशा के कारण वार्ड पार्षदों को भी क्षेत्रीय जनता की जमकर खरी खोटी सुनने को मिली, जिसके बाद वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 व 16 के पार्षदों ने वार्ड की जर्जर सड़कों से जनता को होने वाली परेशानी को लेकर निगम को पत्र लिखा। पार्षदों ने प्राथमिकता से वार्डों की टूटी सड़कों को बनवाने की मांग की, जिसके चलते निगम प्रशासन ने 8 वार्डों की जर्जर सड़कों का इंजीनियर से एस्टिमेट बनवाया। इन सड़कों को बनाने की लागत 1.80 करोड़ रुपए बताई गई है। निगम ने टूटी सड़कों को बनवाने के लिए वीरवार से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। टेंडर आवंटन के बाद ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा, लेकिन काम बरसात का मौसम खत्म होने के बाद ही शुरू किया जाएगा। नगर निगम ने 8 वार्डों की जर्जर हो चुकी सड़कों को बनाने का फैसला लिया है। सड़कों के निर्माण पर निगम 1.80 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि बरसात का मौसम खत्म होने के बाद ही इन सड़कों का निर्माण शुरू किया जाएगा, ताकि बरसात के कारण सड़कें फिर से ना टूट पाए, जिसका मतलब है कि अभी 2 से 4 महीने और आम जनता को टूटी सड़कों पर चलकर ही काम चलाना होगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर किसी बड़े नेता या VIP का कार्यक्रम रोहतक में पहले पड़ जाए तो ये सड़कें रातों रात बनकर तैयार हो जाएंगी।